अकेडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम जानते हैं, कुछ ही दिनों पहले दुबई एयर शो कंडक्ट कराया गया, जहां पर रशिया द्वारा अपने IL-76 MD-90A को शोकेस किया गया। IL-76 MD-90A का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जो कि नए इंजन्स, नए एवियोनिक्स और मटेरियल के साथ बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है। तो जब रशिया द्वारा ये एयरक्राफ्ट शोकेस किया गया, तो वहाँ पर जो इनके स्पोक्स पर्सन थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये एयरक्राफ्ट इंडिया को भी ऑफर किया गया है। और इंडिया को एक्चुअली ऐसे प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 17 के आसपास IL-76 प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि IL-76 MD है और काफी ज्यादा पुराने हैं। तो पहले तो प्रपोजल था कि इन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया जाता ताकि ये ऑपरेशनल हो पाते, पर अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। इवन C-17 ग्लोब मास्टर को भी और ज्यादा नंबर में लेने का प्रपोजल था, लेकिन क्योंकि इन प्लेटफॉर्म की प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई, तो और ज़्यादा नंबर में हम इन प्लेटफॉर्म को ले नहीं पाए। तो एक रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है जो कि पूरी होनी बाकी है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो हम अपने IL-76 को अपग्रेड करें, या फिर नए प्लेटफॉर्म से इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करें। अनफॉर्चुनेटली सेम कैटेगरी में IL-76 MD-90A को छोड़कर कोई और प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन में नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन रह नहीं जाता है। बेस्ट ऑप्शन ये होता कि हम समय पर C-17 Globemaster 3 प्लेटफॉर्म को एक्वायर करते, जो कि अपनी कैटेगरी में बेस्ट प्लेटफॉर्म थे, पर हमने वहाँ पर देरी कर दी। जब हमने ये डिसाइड किया कि हमें और प्लेटफॉर्म लेने हैं, तब तक जो प्रोडक्शन लाइन है वो बंद हो चुकी थी और एक ही एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट हम ले पाए। ऑल्दो यहाँ पर एयरबस A400M जैसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, पर वो डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट हाफ है, करीबन 35 टन के आसपास ये पेलोड को कैरी कर सकते हैं। वहीं पर C-17 Globemaster 3 जो है, ये ऑलमोस्ट 70 टन कैरी करने में सक्षम है। अनप्रिपेयर्ड रनवे पे लैंड हो सकता है, शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों परफॉर्म कर सकता है, तो वो कैपेबिलिटी अब मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो हमारे पास है, ये IL-76 MD-90A ही है, जिसको या तो हम डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हैं, या फिर अपने ओल्डर एयर फ्रेम्स को अपग्रेड कर सकते हैं। ओल्डर एयर फ्रेम को अपग्रेड करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी लगाएंगे और हमें वही पुरानी बॉडी यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें कंपोजिट मटेरियल की मात्रा ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो वहाँ पर सर्विस लाइफ लिमिटेशन रहेगी। वहीं पर नए प्लेटफॉर्म लेने का मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली अपग्रेडेड भी होंगे, बॉडी भी नहीं होगी, तो यहाँ पर आपको सर्विस लाइफ कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप डीप अपग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली खर्चा भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि नए एयरक्राफ्ट जितना तो नहीं होगा, पर ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप IL-76 MD-90A को कंसीडर करें। और ये चीज़ हम यहाँ पर इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में हम किसी ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं या फिर बनाने का फ्यूचर में प्लान है। तो आपको ये चीज़ अगर इम्पोर्ट ही करनी है, तो इसमें ज़्यादा समय लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल रहे हैं। तो जब हमने लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान मास मोबिलाइजेशन कराया था, तो जो C-17 Globemaster का रोल था वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, और उनके ज़्यादा नंबर्स इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाते। पर अनफॉर्चुनेटली जो IL-76 का अवेलेबिलिटी रेट है, वो काफ़ी नीचे जा चुका है। तो IL-76M के कंपैरिजन में जो IL-76 MD-90A है, ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। IL-76M की जो मैक्सिमम कार्गो कैरिंग कैपेसिटी थी, ये 48 टन की थी। इसके कंपैरिजन में IL-76 MD-90A 60 टन का पेलोड कैरी कर सकता है। तो ये जो 12 टन का डिफरेंस है, ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। C-17 Globemaster 70 टन के ऊपर कैरी कर सकता है, जहाँ पर अगेन 10 टन के आसपास का डिफरेंस है, तो वो एक अलग ही बीस्ट है। पर IL-76 MD-90A भी काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर आप रेंज की बात करेंगे, तो रेंज भी आपको IL-76 MD-90A में ज़्यादा मिलेगी, वो भी ऐसे इंजन्स के साथ जो कि ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा रिलायबल हैं और कम फ्यूल कंज्यूम करते हैं। तो ये जो PS-90 इंजन है, ये मैक्सिमम 171 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, जो कि पुराने सोलोवीएव D-30 इंजन के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, जो कि 117 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम थे। साथ ही साथ फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा था, बॉडी भी हैवी थी, जिसको इम्प्रूव किया गया है IL-76 MD-90A में, जिसकी वजह से जो रेंज है वहाँ भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। साथ ही साथ पेलोड कैपेसिटी में भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। फ्लाई बाय वायर को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इस प्लेटफॉर्म की हैंडलिंग भी ज़्यादा बेटर है, टेक ऑफ डिस्टेंस भी ज़्यादा बेटर है, लैंडिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा बेटर है। तो IL-76 MD की जो मैक्सिमम रेंज है, ये 7300 किलोमीटर बताई जाती थी, फेरी रेंज की यहाँ पर बात कर रहे हैं।
IL-76 MD-90A की जो मैक्सिमम फेरी रेंज है ये 9300 किलोमीटर की बताई जाती है, तो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर की रेंज का डिफरेंस है, जो कि छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इनको C-17 ग्लोबमास्टर 3 के बाद नेक्स्ट बेस्ट थिंग कहा जा सकता है जो कि अवेलेबल है, और हमें ऐसा लगता है कि IL-76 के रिप्लेसमेंट के तौर पर इन प्लेटफॉर्म को कंसिडर जरूर करना चाहिए। बाकी इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, तैयारी कर रहे हैं NDA, FCAT या CAPF एग्जाम्स की, तो अन अकेडमी की साइड से बैच कोर्सेज चलाए जा रहे हैं NDA, FCAT और CAPF के अग्नि, उड़ान और जज्बा के नाम से। तो अगर आप अभी इन बैच कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं तो जो ऑफर था 60% ऑफ का इन बैच कोर्सेज की अमाउंट पर, वो एक्सटेंड कर दिया गया है 30 नवंबर तक। तो आप यहाँ पर मौके का फायदा उठा सकते हैं अच्छी खासी अमाउंट को सेव करते हुए इन बैच कोर्सेज को ऑप्ट करके। तो जो NDA का बैच कोर्स है जो कि अग्नि के नाम से है, ये चालू होने वाला है 30th नवंबर से। वहीं पर जो CAPF का बैच कोर्स है ये 23rd नवंबर से ही चालू है, और वहीं पर जो FCAT का बैच कोर्स है जो कि उड़ान FCAT है, ये 28th नवंबर से चालू होने वाला है। तो जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए आपको हमारा रेफरल कोड MATRIX100 यूज़ करना पड़ेगा। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।